प्रिंट में व्यक्त करना हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सवारी करना हो या डिजिटल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक पहुंचना हो, ये सभी मीडिया विकल्प है। लेकिन जो खबर पत्रकारिता और पत्रकारिता की नींव है, उसकी विषय वस्तु आपकी संवेदनशीलता, ईमानदारी, जागरूकता और प्रतिबद्धता का सार है। ऊर्जा मंत्री एवं जिला पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने यहाँ कहा कि पत्रकारिता की महिमा आपके विषय के चयन पर निर्भर करेगी, चाहे माध्यम कोई भी हो। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय जनसंपर्क ब्यूरो नागपुर, पत्र सूचना कार्यालय नागपुर, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय नागपुर एवं अमरावती संभाग कार्यालय एवं नागपुर प्रेस क्लब, इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञों ने डिजिटल युग के संदर्भ में पत्रकारिता के विषय पर मंथन किया। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश वीएस सिरपुरकर थे। राज्य सूचना आयोग नागपुर खंडपीठ आयुक्त राहुल पांडे, सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशक नागपुर अमरावती मंडल हेमराज बागुल, दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स के संपादक श्रीपत अपराजित, प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रदीप मैत्रा उपस्थित थे। जिसकी बात करें तो स्थायी पत्रकारिता विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। आपकी एक खबर में लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने की ताकत है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्रकारिता प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक्स और आज के डिजिटल मीडिया में सही है, क्योंकि उनके इरादे नेक थे। उन्होंने पत्रकारिता में अपना अमूल्य समय, अखंड भारत, बिना भेदभाव के भारत, शिक्षित भारत, सुसंस्कृत भारत के निर्माण में दिया। बाबा साहेब लोकतंत्र के चारों स्तंभों में प्रकट होते हैं। उन्होंने बड़ौदा में साबित किया कि नौकरशाही में कैसे काम किया जाता है। एक मंत्री के रूप में सिद्ध किया कि विधान परिषद में कैसे काम किया जाता है। वह निर्वाह के लिए न्यायपालिका में अग्रणी न्यायविदों में से एक हैं। और जो पत्रकारिता होती है वह मूकनायक से लेकर प्रभु भारत तक की क्रांतिकारी पत्रकारिता से सिद्ध होती है। भविष्य में अभिव्यक्ति के साधन बदलेंगे। हालांकि खबर के पीछे की ईमानदारी, सच्चाई, संवेदनशीलता कभी नहीं बदलेगी, ऐसा डॉक्टर राउत ने कहा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पानसी, बीसीएन न्यूज नागपुर। स्तंभ समजला जातो आणि चौथा स्तंभ जेव्हा म्हटलं जात तेव्हा खरोखर तो स्तंभ राहिला आहे का, कि तो ढासळला? आणि किती स्तंभ आता भारतीय संविधानाचे राहिलेत आणि किती ढासळत चाललेत, हा प्रश्न मी माझ्याशी या ठिकाणी बसून विचारत होतो।